मामला दौसा जिले के बसवा तहसील मुख्यालय के झरवालों की ढाणी का है। एक सूखे 200 फीट गहरे कुएं में एक शव पड़ा मिला। मामले की सूचना पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दौसा से आपदा प्रबंधन टीम बुलाई गई, लेकिन कुएं में जहरीली गैस होने के चलते टीम ने 8 घंटे तक शव को बाहर निकालने के लिए मशक्कत की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ग्रामीणों ने बताया कि ढाणी में बुधवार सुबह एक महिला कुएं के पास चारा काट रही थी। इस दौरान बदबू आने पर महिला ने कुएं में देखा तो एक आदमी का शव मिला। सूचना पर बसवा पुलिस व तहसीलदार रश्मि शर्मा मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तहसीलदार ने सूचना देकर के दौसा से आपदा प्रबंधन टीम को बुलाया। टीम ने शव के लिए करीब 8 घंटे तक मशक्कत की, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली। टीम ने बताया कि कई बार मोमबत्ती जलाकर कुएं में नीचे ले जाया गया, लेकिन मोमबत्ती सिर्फ 50 फीट पर जाकर के बुझ गई। इससे पता चला कि कुएं में जहरीली गैस है। इसके बाद टीम ने कुएं में पानी डालकर के जहरीली गैस को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बसवा तहसीलदार रश्मि शर्मा ने बताया कि कुएं में शव किसी आदमी का है, संभवतः यह 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है। शव को बाहर निकालने के लिए हमने जयपुर SDRF को सूचना दी है और टीम मौके पर पहुंची और 26 घंटे बाद कुएं से शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त मुंशीराम पुत्र रामचरण के रूप में हुई है। पंजाब केसरी के लिए HN पांडे की रिपोर्ट।